हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद और प्यार से ये मेरा तीसरा वीडियो है। दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल कुकिंग पर्सन नहीं हूँ। मैं नॉर्मली जो घर में खाना बना के खाता हूँ वही आप लोग के पास शेयर करता हूँ। अभी हम लोग मिक्स वेज के लिए बिल्कुल फ्राई करके आइटम रखे हैं, जिसमें से ये आपका बैगन है, ये बनाना है, ये पपीता है, ये आपका सीताफल है, और ये आपका बीन्स है, ये मटर है, ये फूलगोभी है, ये मूली है, ये आलू है, और ये गाजर है। ये हो गया हमारा मिक्स वेज के लिए आइटम। और इधर हम लोग अदरक पेस्ट करके रखे हैं, ये प्याज और टमाटर धनिया पत्ता है, और रोटी के लिए ये आटा भून के रखा हुआ है। ये हमारा पूरा आइटम अभी ये रेडी है। अभी हम लोग अभी खीर भी बैठाए हैं, खीर का भी ये खीर है, हम लोग ऑलरेडी खीर भी बनाए हैं। खीर भी अभी हमारा ऑलरेडी लगभग हो चुका है, थोड़ा बहुत और होगा। अभी हम मिक्स वेज सब्जी स्टार्ट करेंगे।
हम लोग रोटी बना रहे हैं और हमारा रोटी बिल्कुल गूल हुआ है। अभी ये रोटी बिल्कुल बढ़िया से पकेगा। एक साइड अभी रोटी हो रहा है, अभी एक साइड थोड़ा सा 70% हो गया तो इसको हम लोग पलट दिए। अभी ये दूसरा साइड पूरा 100% हो जाएगा तभी हम रोटी को दूसरे साइड पलट के फिर उसको फुलाएंगे रोटी को। अब भी कैसे फुलाएंगे आप देखिए, ये अभी पूरा चारों तरफ राउंडिंग करके रोटी जो है उसको पूरा अच्छी तरह दबा के अच्छी तरह पक जाएगा। अभी पूरा हो गया, अभी ये रोटी फूलेगा। अभी एक कपड़ा के मदद से मैं रोटी फुला रहा हूँ। ये मेरा रोटी बिल्कुल फूल चुका है। ये हो गया मेरा रोटी बिल्कुल फूल के तैयार। अभी हम लोग तैयार अभी खाएंगे। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें उत्साहित कीजिए, हम आगे वीडियो बनाएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।